हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट अटैक्स विद प्रखर ओझा। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ मंडला आर्ट। मंडला आर्ट एक ऐसा आर्ट है जो ज्योमेट्रिकल शेप्स को मिक्स करके बनता है। अगर आप मंडला की डिज़ाइंस सीख लेते हो तो फिर आप मेहंदी के डिज़ाइंस भी आसानी से बना सकते हो। जो भी बेसिक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर उन्हीं बेसिक्स से एक मंडला आर्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो। फर्स्ट है लाइंस। लाइंस कॉम्बिनेशन करना है, पहले खड़े में खींच दो, ये खड़े में खींच दी, अब लेटे के खींच दो, लेटे हुए खींच दो। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे बॉक्स बन गए, तो इन बॉक्सों में ब्लैक कर दो, मतलब जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हो। कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाला आता है पेटल्स, ये देखिए। फोर्थ है डबल ट्रायंगुलर, इसको सिंपल ट्रायंगल के ऊपर। ये कंप्लीट हो गया। फिफ्थ है डबल सर्कुलर, सिक्स्थ है डॉटेड स्क्रम्बलिंग, डॉटेड। अब बीच में डॉट लगा दीजिए, डॉट से इसको लाइक भर दीजिए। ये नेक्स्ट है स्पाइरल। ये स्पाइरल। एट्थ है डॉटेड ज़िगज़ैग। डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन्स। ड्रॉप पेटल्स। डायमंड शेप या डायमंड अकेला लिख दो,
डायमंड लाइक एक छोटा सा मंडला डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं इन्हीं बेसिक्स को लेकर, इन बेसिक्स का यूज़ करके। आप चाहें तो कंपास यूज़ कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए, मैं एनिमेशन चल रहा हूँ, मैं सिंपली बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बेसिक्स कहाँ यूज़ होते हैं। आप सबसे पहले पेंसिल का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद पेन से हाईलाइट करेंगे। अब इसको हम पेन से करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने बेसिक चीज़ें यूज़ करके ये मंडला तैयार किया है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो मैंने आपको बेसिक समझाया उसकी। तो गाइज़ आप भी ट्राई कीजिएगा ऐसा बनाना। ये तो बहुत बेसिक था लेकिन पार्ट टू अभी भी बाकी है। यस, मैं पार्ट टू एडवांस टेक्निक्स लेके आ रहा हूँ मंडला आर्ट की, तो चैनल से जुड़े रहिए गाइस। मंडला आर्ट भी कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं। अपकमिंग वीडियोस में आपको इस बारे में भी जानकारी दूंगा। तो प्लीज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और जितना आप शेयर कर सकें उतना प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के पास भी आर्ट पहुंच सके जो वाकई में इच्छा रखते हों आर्ट सीखने के। जल्द लौटूंगा पार्ट टू के साथ में। थैंक यू।